कालेबुङ जिल्ला पुलिसको पहलमा कालेबुङमा महिला सुरक्षा हेतु प्याट्रोलिङ भ्यान पिंक प्याट्रोलको शुभ आरम्भ गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वार ओभर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गालको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। हाल राज्य महिलामाथि अपराध रोक्न महिला पुलिसको टोली तैनात गरिएको छ। यसै क्रममा यता कालेबुङ जिल्ला पुलिसको पहलमा प्याट्रोलिङ भ्यान आरम्भ गरिएको छ। यो भ्यानमा इन्सपेक्टर रेन्जका महिला अधिकारी सहित ड्राइभर पनि महिला नै नियुक्ति गरिएको छ। हस्पिटल स्कुल विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यसरी पहल गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लापाल बालासुब्रमण्यम टी जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पाण्डे एसएसपी पूर्णिमा शेर्पा लगायत पुलिस अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अतिथिहरूको बाहुलीबाट हरियो झण्डा देखाएर उक्त भ्यानको थालनी गरिएको छ। अधिकारीहरूद्वारा उक्त भ्यानको प्रभारी महिला पुलिस अधिकारी आइएसआई शोभना सेवालाई चाबी हस्तान्तरण गरिएको छ। यसैबीच पुलिसद्वारा सेफ ड्राइभ सेभ लाइफ अभियान अन्तर्गत गाडीहरूमा स्टिकर लगाउने अनि ड्राइभरहरूलाई सुरक्षित यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्न उपहार पनि प्रदान गरिएको छ। यसरी नै सुरक्षित यात्रा सम्बन्धित विशेष वस्तुहरूलाई समेटेर खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। र यात्रीहरूले जेब्रा क्रसिङ हेरेर रोड क्रस गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, चालक दाजुभाइहरूको लागि एउटा असल कुरा हो, ताकि जेब्रा क्रसिङ देख्ने बित्तिकै चालक दाजुभाइहरूले स्लो गर्ने अर्थात् रोकेर यात्रीहरूलाई क्रस गर्नको लागि जेब्रा क्रसिङ बनाइएको हो। धन्यवाद, एकदमै राम्रो गर्नुभयो। तपाईँको शुभ नाम? आमोस छेत्री फ्रम मनसङ। हाम्रो आमोस छेत्रीज्यूलाई यो विषयमा एकदमै राम्रो भन्नुभयो तपाईँहरूले है। र आमोस छेत्रीलाई पनि हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्टको केही नदिन सकिने एउटा सानो चिनो है हाम्रो डिएम साहेबको बाहुलीबाट र तपाईँलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले सठिक पैदल यात्रीहरूले बाटो पार गर्दा जहिले पनि फुटपाथ प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि पैदल यात्रीहरूले जेब्रा क्रसिङद्वारा बाटो काट्नुपर्छ अर्थात् पार गर्नुपर्छ। पैदल यात्रीहरूले जहिले पनि ट्राफिक सङ्केतको पालन गर्नुपर्छ। अनि गाडी नजिक आउँदा, गाडी आफ्नो छेउमा आउँदा जहिले पनि सतर्क सचेत रहनुपर्छ। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? र हाम्रो प्रकाश गतराजज्यूले सही एन्सर दिनुभयो र उहाँलाई एउटा है ट्राफिकको नियम धेरै मान्नुपर्ने रहेछ र सबैजनाले उहाँको एन्सर सुन्नुभयो होला। उत्तर पैदल यात्रीले सधैँ फुटपाथ प्रयोग गर्नु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एसपी श्रीहरि पाण्डेले महिलाहरूको सुरक्षा हेतु अभियान सुरु गरिएको बताएका छन्। यो अभियान हाल कालेबुङमा थालिने अनि पछिबाट अन्य थाना अन्तर्गत गरिने पनि बताएका छन्। सुरक्षा विषय पुलिस अघि आइरहेको बताउँदै उनले असुविधा भए नागरिक अघि आएर पुलिसलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। और डीएम साहब का जो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो आप लोगों को उसी के तहत एक और आज हम लोग नया चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज पिंक पेट्रोल। पिंक पेट्रोल का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली पुलिस मुख्यालय से ही बोला गया है, पुलिस डायरेक्टोरेट से। उसी के तहत हम लोग उसको करने जा रहे हैं। और ये पुलिस जितनी भी महिलाएं जिस कुछ सिस्टम में काम करती हैं, ज़्यादा करके जहाँ पर काम करती हैं महिलाएं, जहाँ जहाँ पर बाजार घर मार्केट प्लेस पर जाती हैं और कोई डिस्ट्रेस कॉल भी आता है, तो कालिम्पोङ पहले हमने ये कालिम्पोङ टाउन में स्टार्ट किया है। और ये जो पिंक पेट्रोल है उन जगहों पर अभी इसका इनॉग्रेशन होने के बाद उन जगहों पर विजिट करेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी। हमारा ये
फ्यूचर में जब जैसे ही संभव होगा हम लोग एक और फर्दर 3 पेट्रोल गाड़ी इसमें ऐड करेंगे, हो सकता है अलावा गुरु बताने के लिए को लेकर। तो फिलहाल हम लोग ये कालीपुर टाउन से स्टार्ट कर रहे हैं और जिले में और भी जहाँ जहाँ संभव होगा फ्यूचर में उसको ऐड करेंगे और चाहते हैं कि लोग आगे से आगे आएँ, अपनी समस्या बताएँ, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। कोई ये बात छुपाने की बात नहीं है कि भाई पर बोले कि नहीं बोले, क्योंकि अभी हम लोगों का जो पुलिस का अप्रोच है टोटली चेंज हो गया है। हम लोग आपके पास जा रहे हैं, आप अपनी समस्याएं बताएं और पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी। डीएम साहब को यहाँ रहने के लिए और जितने भी पुलिस के लोग इस प्रोग्राम को अरेंज किए हैं सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, थैंक यू। शामिल होने के लिए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बिकॉज हम लोग अब जानते हैं कि जैसे एक मॉल बना हुआ है, अभी वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत एक अनफॉर्चुनेट एनवायरमेंट चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग इमिडिएटली जो दो चीज करना है, वी हैव टू एम्पैथी, हम लोग का एम्पैथी होना चाहिए, जो भी सिटीजन है उनका एक एम्पैथी होना चाहिए और साथ में साथ एक्शन होना चाहिए। जब जो एक्शन जो है तो हम लोग का इधर क्या है, सो एक्शन मीन्स प्रिवेंटिव एक्शन, जो हम लोग जो प्रोएक्टिवली जो प्रिवेंटिव एक्शन करना पड़ेगा उसी के ऊपर हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। जो बाकी जो जिस जगह में जो प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस का कार्रवाई हो रहा है, जो भी है जो चलते रहेगा, बट इसके पैरेलली हम लोग जो प्रिवेंशन के ऊपर जो करना पड़ेगा और जो चीज हम लोग अच्छा करना चाह रहे हैं उसी के लिए क्या करना है, इसको सोच के एक्शन में हम लोग दिखाना चाहिए और करना चाहिए जो इमीडिएटली नीड है। इसलिए एसपी साहब को मैं धन्यवाद जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज एसपी साहब ने विद इन दिस 2-3 weeks हैव इनिशिएटेड 2-3 मेजर इनिशिएटिव्स फ्रॉम पुलिस साइड, बिकॉज हम लोग आप जानते हैं पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम होता है और हम लोगों का पार्टिसिपेशन में कुछ हम लोग पुलिस को सहयोगिता करता है, पुलिस का एक्टिविटीज से हम लोगों का सहयोगिता मिलता है, तो ये सब मिलकर पब्लिक का एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं। रिसेंटली आप जानते हैं कि अपराजिता करके एक इनिशिएटिव एसोसिएशन से हुआ, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, उसके अलावा अभी ये इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, तो जो रेगुलरली पुलिस का जो रेगुलर काम होता है उससे भी थोड़ा स्पेशलाइज करके पेट्रोलिंग में स्पेसिफिकली विमेन सेफ्टी के लिए पेट्रोलिंग करना, तो इसी टाइप का इनिशिएटिव चलता रह रहा है। और इसके अलावा भी एक बड़ा एक रेगुलर अवेयरनेस सेशन चल रहा है पुलिस के एंड से, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं फ्रॉम आवर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सोशल वेलफेयर यूनिट से, तो हम लोग ये बहुत अच्छा लग रहा है एसपी साहब का ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव, जो पब्लिक रिलेटेड इनिशिएटिव एंड সেটা পুলিশিং কে এটা আরো একটু পাবলিকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, মানে ভেরি ক্লোজার টু পাবলিক, আলটিমেটলি ইট শুড বেনিফিট দ্য পাবলিক, সো ইসকে লিয়ে হম লোক বহুত ধন্যবাদ দেনা চাহ রহে হ্যায় ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন সে। And please public जो भी है फीडबैक आपका जो बोलना है एसपी साहब को बोलना है एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना है प्लीज कीप गिविंग द फीडबैक, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक और इन्फॉर्मेशन से बहुत सारा यूजफुल और पब्लिक का जो चाहता है उसी को करने के लिए हम लोगों का मौका मिलेगा। आई एम थैंकिंग वंस अगेन टू एसपी सर एंड ऑल द एंटायर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कलिम्पोंग, थैंक यू, बेस्ट।